जहां हुए बलिदान मुखर्जी। बंगाल की धरती क्रांतिकारियों की उर्वर भूमि रही है। इसी क्रांति धरा से एक महान ज्योतिपुंज निकला, जिनके महान तप और बलिदान ने देश के मुकुट जम्मू कश्मीर को सही मायने में दूसरी आजादी दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई है। अब मत विभाजन का निर्णय, हाँ 370, ना 70 निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित सभा द्वारा पारित हुआ। आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसला आते ही पूरा देश जश्न में डूब गया। अब जम्मू कश्मीर में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान की बात बेमानी हो गई है। लेकिन इतना होने भर में कई कई पीढ़ियों का लंबा संघर्ष है, जिन्होंने इस दिन की खातिर अपना सर्वस्व बलिदान दे दिया। इस दिन को देखने के लिए प्रजा परिषद आंदोलन और पंडित प्रेमनाथ डोगरा समेत कई नेताओं ने लंबी लड़ाइयां लड़ी हैं। इस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं आर्टिकल 370 पर संघर्ष करने और अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले देश के अमर नायक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्य स्मरण ऐसा है, उनकी समान बातों का बार बार और 3 घंटे के एक मर्यादित कालावधि में भी हम स्मरण करें तो भी सारी दुनिया को जिस प्रकाश को अपने जीवन से उन्होंने दिया, वह प्रकाश हमारे अंतःकरण में भी ज्योतित हो सकता है। देश की स्वाधीनता के बाद महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के आग्रह पर डॉक्टर मुखर्जी पंडित नेहरू के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने। नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में उन्होंने 8 अप्रैल 1950 को नेहरू मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंचालक पूज्य गुरुजी के साथ गहन मंत्रणा कर उन्होंने 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और इसके पहले अध्यक्ष बने। 1951 के लोकसभा चुनावों में मात्र 6 महीने पुराने भारतीय जनसंघ ने संसद में 3 सीटें जीती, जिनमें डॉक्टर मुखर्जी की अपनी सीट भी शामिल थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर राज्य को एक अलग दर्जा दिए जाने के घोर विरोधी थे। शेख अब्दुल्ला और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों के साथ डॉक्टर मुखर्जी ने निरंतर पत्र व्यवहार किया, लेकिन नेहरू और शेख अब्दुल्ला की जिद के चलते कोई समाधान नहीं निकल सका। डॉक्टर मुखर्जी ने प्रयास किया कि जम्मू कश्मीर की समस्या के निदान के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। उनका मत था कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के अन्य राज्यों की तरह माना जाए। उन्होंने लोकसभा में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने की जोरदार वकालत की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या शेख अब्दुल्ला इस संविधान के पक्ष नहीं थे? वे संविधान सभा के एक सदस्य थे, लेकिन वे विशिष्ट व्यवहार की मांग कर रहे हैं। क्या वे 500 से अधिक रियासतों सहित शेष भारत के संबंध में इस संविधान को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं थे? यदि यह संविधान उन रियासतों के लिए पर्याप्त अनुकूल है, तो यह क्यों नहीं कश्मीर में उनके लिए पर्याप्त अनुकूल होना चाहिए? उन्होंने अनुच्छेद 370 को लेकर तत्कालीन नेहरू सरकार का सड़क से संसद तक डटकर विरोध किया। उन्होंने नारा दिया, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में अपने ही देश के नागरिकों को पहचान पत्र की बाध्यता के विधान को डॉक्टर मुखर्जी ने कांग्रेस और शेख अब्दुल्ला का देश तोड़ने वाला षड्यंत्र बताया। देश में पहली बार उन्होंने बिना परमिट लिए जम्मू कश्मीर में प्रवेश का ऐलान किया। प्रजा परिषद के आह्वान पर डॉक्टर मुखर्जी ने 5 मई 1953 को जम्मू कश्मीर दिवस मनाने को देशव्यापी अभियान की हुंकार भरी। 8 मई 1953 की सुबह 6:30 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन में अपने समर्थकों के साथ सवार होकर जम्मू कश्मीर के लिए निकले।
तो उन्होंने चलते वक्त मुझे कहा था कि वाजपेयी जाओ और देशवासियों से कहो कि मैं जम्मू कश्मीर में प्रविष्ट हो गया हूँ, लेकिन मैंने परमिट नहीं लिया। बिना परमिट जम्मू कश्मीर निकले डॉक्टर मुखर्जी की एक झलक पाने एवं उनका अभिवादन करने के लिए रास्ते में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। जालंधर के बाद उन्होंने अमृतसर के लिए ट्रेन पकड़ी। 11 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने कुख्यात परमिट व्यवस्था का उल्लंघन करके जम्मू एवं कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया। इसी दिन कश्मीर सीमा पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को शेख अब्दुल्ला की पुलिस की कैद में बंद भारत मां के सपूत डॉक्टर मुखर्जी रहस्यमय स्थिति में मृत पाए गए, जो आज भी एक पहेली है। साल 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने उनकी मृत्यु को पंडित नेहरू का षड्यंत्र बताया था। इस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले ही हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका संकल्प आज पूरा हो गया है। सरकार ने आर्टिकल 370 पर ऐतिहासिक फैसला देकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक राज्यसभा द्वारा यथा पारित, सभा द्वारा पारित हुआ।